19 साल में झड़ गए थे बाल, शेखर कपूर ने दिया ब्रेक, सत्या से इंडस्ट्री में बनाई पहचान। बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक कलाकारों ने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है। इनमें से एक नाम सौरभ शुक्ला का है। इनकी एक्टिंग ही इनकी पहचान है। दरअसल ये एक थिएटर आर्टिस्ट है, डायरेक्टर भी है, स्क्रिप्ट भी लिखते हैं, कॉमेडी भी खूब करते हैं। इस सेक्टर की फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री की कहानी भी अजीब है। जब बैंडिट क्वीन की कास्टिंग हो रही थी, तब ये रेपर्टरी कंपनी में काम करते थे। फिल्म की लीड एक्ट्रेस सीमा विश्वास का एक प्ले था। दरअसल ये थिएटर के शौकीन थे तो ये भी वहां पहुंचे थे। डायरेक्टर शेखर कपूर भी ड्रामा देखने आए थे। शेखर कपूर ने सौरभ शुक्ला को देखा तो उनको बुलाया और बोला कि बहुत इंटरेस्टिंग है तुम्हारा चेहरा, फिल्म में काम करोगे। सौरभ शुक्ला ना कैसे कह सकते थे, एक्टिंग तो उनकी जान थी। उन दिनों उनके पास बहुत काम थे। इंग्लैंड की एक सीरीज बर्तलुची की एक फिल्म और दूरदर्शन पर 3 सीरियल। लेकिन किस्मत ने धोखा दिया और तीनों प्रोजेक्ट कैंसिल हो गए। हालांकि बैंडिट क्वीन की कास्टिंग भी हो चुकी गई थी। शेखर कपूर एक बार फिर प्ले देखने आए। उन्होंने एक बार फिर सौरभ शुक्ला को बुलाया और उनको देखते रहे, एकाएक उठकर चले गए। जब सौरभ ने एक असिस्टेंट से पूछा कि क्या चक्कर है, तो उसने बताया कि बैंडिट क्वीन के वर्कशॉप में आ जाना। इसके बाद उनकी गाड़ी निकल पड़ी। एक कहानी सत्या फिल्म को लेकर भी है। जब फिल्म सत्या की शूटिंग पूरी हो गई तो फिल्म का ट्रायल रखा। उसमें बॉलीवुड के कई नामी गिरामी कलाकार आए, लेकिन किसी को फिल्म अच्छी नहीं लगी। सबने कहा कि इससे घटिया फिल्म आज तक नहीं देखी। सौरभ शुक्ला दुखी हो गए, लेकिन फिल्म रिलीज हुई तो खूब चली। जनता ने उसको खूब पसंद किया। एक्टिंग की तारीफ हुई, फिल्म की तारीफ हुई। 19 साल की उम्र में सौरभ शुक्ला के बाल झड़ गए थे। उनका लगा कि एक्टर बनने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन किस्मत ने साथ दिया और वो आज बॉलीवुड के एक जाने माने एक्टर हैं। उन्होंने सत्या, बर्फी, जॉली एलएलबी, किक और पीके जैसी बेहतरीन फिल्मों में एक्टिंग की है और दर्शकों ने उनके किरदार को पसंद किया है। साल 2014 में उनको जॉली एलएलबी में निभाए किरदार के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया।